राम राम, जय हिंद। तो एक लाइन तुमने हमेशा सुनी होगी या सब तुम्हें बताते होंगे इस बारे में जो हम चीज़ें बताने जा रहे हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, ज़्यादा याद होगा। सुबह चीज़ें जितने ज़्यादा जल्दी तुम पढ़ते हो, मतलब जैसे पढ़ते हो, वो चीज़ें ज़्यादा मजबूत तैयार होती हैं, सुबह की पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव होती है। या फिर हम ये कहें कि सुबह की पढ़ाई में जो याद करते हो वो पेपर तक याद बना रहता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, हमें वो समझाते हैं। देखो, सबसे पहली बात तुम्हें ये समझनी चाहिए कि सुबह के 3 बजे का जो टाइम होता है, समझना, 3 बजे के बाद का जो टाइम होता है, उस टाइम पे वाकई में चीज़ें बहुत पॉजिटिव तरीके से तैयार होती हैं। क्यों? अगर तुम सही से सोए हो तब, समझो मेरी बात को, ये लॉजिक तब सही बैठता है जब तुम पिछली रात में सही सोए हो। तो अगर तुम 12-1 बजे तक सो रहे हो, समझना मेरी बात को, अगर तुम 12-1 बजे तक सो रहे हो और फिर तुम सोच रहे हो कि सुबह 4 बजे तुम उठ के पढ़ाई करने लगोगे और सब कुछ जल्दी याद हो जाएगा, ऐसा कभी जीवन में होने वाला है नहीं, कभी नहीं होने वाला ये चीज़। कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि सुबह जल्दी उठ के याद कर लोगे तो जल्दी तैयार हो जाएगा, पेपर तक बना रहेगा, ये सब चीज़ें बिल्कुल मिथ हैं, इन सब चक्करों में मत पड़ा करो। हम तुम्हें एक बेसिक चीज़ बताते हैं। देखो क्या होता है, पढ़ाई हमेशा तब होती है जब तुम, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे खैर ये टॉपिक, तो हम यहाँ पे तुम्हें बस इतना समझाना चाहते हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है। मतलब कि तुम अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए चीज़ें अलग हो सकती हैं, किसी दूसरे के लिए वही चीज़ अलग हो सकती है। तो अब जरूरी नहीं है कि किसी के लिए कोई चीज़ काम कर रही है तो वो तुम्हारे लिए भी काम करे, समझ रहे हो? जैसे कि अगर मान लो तुम, एक किताब है तुम्हारे पास, ठीक है, सपोज करो एक किताब है तुम्हारे पास और उस किताब से तुम्हें जल्दी याद हो जाता है लेकिन तुम्हारा दोस्त जल्दी याद नहीं कर पा रहा है, तो दोनों की उस चीज को एक्सेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग है, दोनों लोग उसको अलग अलग तरीके से ले पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज यार ये समझनी पड़ेगी कि जब भी तुम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए उतरते हो, वहां पे जब ये सब चीजें आती हैं कि तुम्हें अपने अकॉर्डिंग चीजें करनी होती हैं, तुम्हें कब पढ़ना ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा हो सकता है कि दिन में मन लगता हो पढ़ने में, हो सकता है तुम्हारा रात में मन लगता हो पढ़ने में, और कई बार ऐसा भी होता है जब तुम रात भर जो पढ़ते हो वो कई बार पेपर तक बना रहता है। तो ये चीज़ें सबके लिए, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होती हैं, सबके लिए एक ही चीज़ अप्लाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो अगर तुमसे ये कोई बोल रहा है कि सुबह जल्दी उठा करो और सुबह जल्दी उठ के जल्दी याद होगा, इस बात में कहीं भी सच्चाई है नहीं। सुबह तुम, अच्छा तुम ये एक बार ये सोच के देखो कि तुम रात में 12 बजे सोए हो, ठीक है, अब तुम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने लगे, तुम्हें 1 घंटे बाद नींद आने लगेगी और जो तुमने 1 घंटे भी पढ़ा है वो भी वेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बिल्कुल डिनाइल हो गया कि सुबह जल्दी उठ के अगर पढ़ते हो तो उसका कोई भी बेनिफिट है। कुछ बेनिफिट्स जरूर है सुबह उठने के, जैसे कि सुबह जब तुम उठते हो तो एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है यार, सुबह उठ के बस एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, बस ये चीज़ हो जाती है कि तुम्हें पता होता है कि तुम्हें सुबह 4 बजे उठना है, तो तुम अर्ली टू बेड वाला सीन जो होता है 9-10 बजे सो जाते हो, तो सुबह तुम 4 बजे आराम से उठ जाओगे, ये बेनिफिट होता है बस। इसके अलावा सुबह जल्दी पढ़ने से बहुत कुछ खास चेंजेस आते नहीं हैं। राम राम, जय हिंद।